मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं, लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू, 5 साल 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था, लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है, वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं, वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है।